आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट इस फिल्म के प्रति काफी हद तक बढ़ गई है। और इसी बीच फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का क्लाइमेक्स क्या होने वाला है, फिल्म में क्या नया मोड़ आएगा जिससे इस फिल्म की कहानी का अंत होगा। आपको बताते चले, भी हाल ही में बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमेक्स पर एक बड़ी जानकारी शेयर की है, जिसमें यह बताया गया है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमेक्स में आमिर और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के साथ लड़ते दिखाई देंगे, यानी क्लाइमेक्स में आमिर और अमिताभ का एक फाइटिंग सीक्वेंस दर्शाया जाएगा। इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि क्लाइमेक्स के अंत में आमिर या अमिताभ की किसी एक एक्टर की मौत हो जाएगी। फिलहाल दोनों अभिनेताओं में से किसकी मौत होगी इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। शायद यही ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म का सस्पेंस भी है। वही दूसरी ओर इस फाइटिंग सीक्वेंस में अगर आमिर की मौत हो जाती है तो दर्शकों को उनकी सिंपथी मिलेगी, क्योंकि आमिर खान इस फिल्म के लीड एक्टर हैं। ऐसे में जब लीड एक्टर की मौत हो जाएगी, जाहिर सी बात है दर्शकों की सिंपथी आमिर खान को मिलती दिखाई दे सकती है। वही दूसरी ओर अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन अब तक फिल्म के ट्रेलर में आमिर खान पर काफी भारी पड़े हैं और उनके जबरदस्त एक्शन देखने के बाद ये साफ साबित हो गया है कि फिल्म में वो आमिर खान को काफी कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। और फिल्म के क्लाइमेक्स में अगर अमिताभ बच्चन की मौत हो जाती है तो भी दर्शकों के लिए काफी ज्यादा इमोशनल भरा होने वाला है। फिलहाल इस बात की पक्की पुष्टि नहीं हो पाई कि आमिर इस फाइटिंग सीक्वेंस में मरेंगे या फिर अमिताभ बच्चन, और फिल्म के क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है इस बात का पक्का खुलासा हमें 8 नवंबर को मिलेगा, क्योंकि 8 नवंबर को फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हो रही है। फिल्म के क्लाइमेक्स को लेकर क्या आपका विचार है हमें बताना ना भूले नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन के जरिए।